आज मम्मी रो रही थी, बहन भी रो रही थी और हमको रुलाने वाले भी आज खुद रो रहे थे। वो इसलिए क्योंकि आज ये हमारा आखिरी दिन था राउरकेला में। लगभग 2 साल अपने फैमिली के साथ बिताने के बाद आज हम भाई बहन पुणे के लिए रवाना हो जाएंगे। पुणे जाने से पहले हमारे एक स्कूल के जमाने की फ्रेंड हमसे मिलना चाहिए, जो किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकती है। सिद्धिदास किधर छुपा है, बाहर निकल। ओए ऊपर क्या कर रहा है, दम है तो नीचे आ। Okay. अरे आंटी नमस्ते। Nice. जिंदगी में पहली बार किसी कार में बैठ रहा हूँ जो एक लड़की ड्राइव करने वाली है। हे भगवान हमारी रक्षा करना। Oh, no. अरे वाह परफ्यूम है क्या? अरे नहीं रे, हिट स्प्रे है, डेंगू वाले मच्छर भरे पड़े हैं गाड़ी में। What? अरे मैडम सच बताओ, गाड़ी ठीक ठाक चला लेते हो? अरे टेंशन मत ले रे तू, बहुत एक्सपीरियंस है मेरा। किस चीज का? सेफ ड्राइविंग का? नहीं रे, गाड़ी ठोकने का एक्सपीरियंस ही। कहाँ फंस गई यार। वैसे ये गाड़ी चलाना कहाँ से सीखे हो तुम? यूट्यूब से रे बाबा। What? अब तो मौत पक्का है। थोड़ा ही आगे गए थे कि हमने देखा के यहाँ रोड के ऊपर ही खुल्लम खुल्ला प्यार मोहब्बत चल रहा था। इनको दुनिया की कोई फिकर ही नहीं, दुनिया जाए भाड़ में, हमको बस इश्क लड़ाना है। बेबे तुम्हारी इस खुशबू ने मुझे दूर से खींच लाया। सच्ची? फाइनली हम आके पहुँचते हैं मधुबन में। ओ मैडम पक्का बिल आप ही भरने वाले हो ना? यस यस यस। नाइस। भाई क्या पता ये बाद में अपनी बातों से मुकर जाए, वीडियो बना के रख लेती हूँ। ओके गाइस, ये लड़की को देखो, ये आज हमें खाना खिलाने लाई है और ये बिल भी यही भरने वाली है। गौर से देख लो इनका फेस गाइस। हमारी ऐसी चिंदी जैसी हरकतें देख के हमारी दोस्त डर गई और उन्हें एहसास हो गया था कि थोड़ी देर अगर वो हमारे साथ रही तो उनके सारे पैसे लूटने वाले थे। फिर अचानक इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और जिस स्पीड से हमें घर से उन्होंने पिकअप किया था उससे दुगनी स्पीड से वापस उन्होंने हमें घर पे ड्रॉप पिक करके चली गई। हमारी प्यारी लैम्बोर्गिनी। Nice. कुछ महीनों के लिए हमें अलग रहना होगा। Okay. इस बीच ट्रेन का वक्त हो गया था और आज हमें जो स्टेशन ड्रॉप करने आ रहे हैं ये है मिस्टर ऋषि। Nice. जो शहर के बहुत ही पावरफुल शख्सियत है। मुकेश अंबानी जी से इनका कोई लेना देना नहीं है। फाइनली हम आप पहुंचे रेलवे स्टेशन में, जहां हमें देखने के लिए हजारों की तादाद में फैंस इकट्ठे हुए थे। Nice. लगता है सब इंतजार करते करते सो गए हैं। इधर हम अपनी ट्रेन का इंतजार करते करते थक गए थे, जिसका कोई नामो निशानी नहीं था। जब हमने एप्लीकेशन में देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए। एप्लीकेशन में ट्रेन का लाइव स्टेटस बता रहा था कि ट्रेन तो ऑलरेडी पुणे पहुंच चुका है। उड़ी बाबा, ये तो बुलेट ट्रेन का बाप निकला, कब निकल गया पता ही नहीं चला। फिर हम घर वापस लौटने ही वाले थे कि अचानक हमारी ट्रेन सामने प्रकट हो गई। Okay. अरे लड़की बाजू हट, ट्रेन को जाने दे। अरे मम्मी ये ट्रेन है, ऑटो नहीं। चलो भैया निकलता हूँ, ख्याल रखना। ओके भैया, ट्रेन में टट्टी जरूर करना। ओके भाई। और दूसरी तरफ रोने धोने का सेशन चल रहा था। अरे क्या हुआ? अनुपमा का तलाक हो गया। अनुपमा। फाइनली हमारी गाड़ी पुणे के लिए रवाना हो जाती है। और ये रही हमारी सीट, ये जो ऊपर वाला सीट है इसको हमेशा सामान रखने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए हमने अपनी बहन को ऊपर भेज दिया। ट्रेन का सफर और आपको ऐसी आवाजें ना सुनाई दिया तो आपका सफर अधूरा कहलाता है। रेलवे से दरख्वास्त है मेरा कि ऐसे पद्दूरों को टिकट ना ही दे। नींद खराब होते ही हमेशा की तरह मैं टॉयलेट में आ गया। देखते हैं इस लग्जरी ट्रेन का टॉयलेट कितना लग्जरी है। यहाँ एक वॉश बेसिन है। ओ माय गॉड, इसमें तो पानी आ रहा है गाइस। अरे वाह, यहाँ तो मूतने के लिए एक अलग सा इंतजाम किया गया है। गाइस कंफ्यूज मत होना, ये हगने के लिए है और ये मूतने के लिए है। Okay. यहाँ सिर्फ आपको टट्टी करनी है, मूतना नहीं है। Nice. और यहाँ सिर्फ आपको मूतना है, हगना नहीं है। Okay. भाई अगर हगते हगते सुसु आ गया तो उसे रोक के रखना है। गाइस भले ही ये लग्जरी ट्रेन है जिसमें हम जैसे लग्जरी लोग सफर करते हैं, फिर भी रेलवे को हम लग्जरी लोगों पे भरोसा नहीं है। देखो कैसे लोटा को चैन में बांध के रखा है। इस बीच जोरों की भूख लगी थी और हम वहाँ पहुँचे थे रायपुर में, जहाँ से मैंने अपने एंड बहन के लिए कुछ खाने का सामान लिया। जैसे ही मैंने नाश्ते का पैकेट खोला, ब्रेड ऑमलेट देख के मेरी बहन वापस चादर में घुस गई। Hey! देखते देखते लंच का टाइम हो गया था और हम पहुंच चुके थे नागपुर, जहां हमने हल्दीराम का ये राइस प्लेट मंगाया था ऑनलाइन बुक करके। सारे आइटम सही थे यार, सिवाय इस चपाती के। ऐसा लग रहा था मानो वो लोहे के बने हो। इतना मजबूत और धार था इस चपाती में कि किसी के गर्दन भी आराम से काटा जा सकता हो। Okay. दोस्तों फाइनली हम पुणे के पहुंच जाते हैं। 2 साल बाद घर में घुस रहे थे, पता नहीं घर का हालत क्या होगा। ओ भाई साहब, सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था। ये रही हमारी बालकनी। ओ तेरी।
हमारी बैल्कोनी ने अपना मुंह काला करवा दिया था। अब इसको अगर हम साफ करने बैठे तो हम भाई बहन पक्का शहीद हो जाएंगे। What? फिर हम भाई बहन ने डिसाइड किया कि अर्बन कंपनी का हेल्प लेंगे घर की सफाई करने में। फिर कंपनी से दो बंदे किशोर और सुनील आते हैं और सफाई में लग जाते हैं। कुछ ही घंटों में पूरा घर हीरे की तरह चमकने लगता है। पूरा क्रेडिट जाता है इन दो दोस्तों को। गाइज, आप लोगों ने जो काम किया है ना, मेरे पास शब्द ही नहीं है क्या बोलूं। बस एक ही चीज बोल सकता हूँ, फेसबुक में हमारे पेज को फॉलो कर दो और यूट्यूब में सब्सक्राइब कर दो। यार भाई क्या करे यार, ये शहर में तो हमें कोई पहचान भी नहीं रहा है, कोई दाना भी नहीं डाल रहा है। कितना अच्छा था ना, हम लोग अपने शहर में थे, उड़ीसा में थे, तो सब लोग जानते थे, पहचानते थे। कोई बात नहीं, यहाँ भी जान जाएंगे लोग जल्दी। कैसे उन्हें, आर यू रेडी?